वाह वाह जी वाह बेगम, तू तो आहिस्ता आहिस्ता शबनम बनती जानी है। आप वो बन लो नदीम। नदीम सेहत अफजा मकाम इसलिए कहते हैं रूह अफजा नहीं है सेहत अफजा। रूह अफजा आपने बताना है, रूह अफजा होता है, सेहत अफजा होता है, जो भी सही होगा ना वो पनिशमेंट देगा एक दूसरे। अच्छा हाँ तो अच्छा जी, जो नए लोग हैं ना मेरे चैनल पे, वो इस प्यारे प्यारे मुकाम को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। हवा से ना जबान भी ना खुशी से लड़खड़ा रही है और ऊंचा नीचे चढ़ के भी। अच्छा जी, तो आप लोग एक्साइटेड होंगे कि हमने नारान में कौन सी जगह ली है, तो आप लोगों ने मेरे साथ रहना है। यहाँ पहाड़ बिक रहे हैं, दरिया बिक रहे हैं, जो बिक रहा है आप खरीद लें, खरीद लें। तो ये देखेंगे मेरे पीछे हमारा सिहन है, सिहन जंगल वाला, जंगल वाला फुल 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 एंजॉय फुल शेरी शेरी फुल तो आप लोगों ने लाजमी पसंद करना। आपने ये नहीं देखना कि यहाँ क्या है, ये फुल नेचुरली है, कुदरती हुसन है यहाँ पे, इसलिए हमने यहाँ ये जगह पसंद की है। तो मैंने सोचा कि अपने कॉटेज का विजिट करवा दूँ आपको। माशाल्लाह माशाल्लाह, छुप जा छुप जा, शेरी का पता नहीं कहाँ है, शेरी इधर 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 शेरी इधर, शहरी नहीं है, शहरी किसी ने देखा, शहरी नहीं है, नहीं मिला, शहरी, ची 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 ची, क्या खड़ा, हाँ पकड़ा गया, बस अब चुप, पकड़, शहरी मम्मा कहाँ पे है? मम्मा किधर है? अरे चुप अपने कॉटेज का विजिट करवा दूं आपको। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह वाह मेरा कॉटेज, वाह दिखाना भाई कॉटेज। हां जी आ गए जी, लेट्स गो। अच्छा अभी हम अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि हमने इसको लॉक किया हुआ है अच्छी तरह। हां बाहर बाहर से दिखा लेते हैं क्या क्या है के पास है। तो जो उनका कॉटेज है ना वो व्हाइट वाला है, व्हाइट वाला है, वो अभी यंग है ना तो इसलिए व्हाइट उन्होंने लिया। और जो हम है ना तो हमने जरा ये वाला लिया, ये वैसे तो पुराना है लेकिन अंदर से कर्टन वगैरह लगे, बड़ा लाइट है इसमें, छत बहुत लकड़ी की है और दीवारें लकड़ी की हैं और विंडोज जनाब जी शीशे की हैं, कमाल के क्या प्यारे पर्दे हैं। हाँ जी अंदर से इतना प्यारा है ना, बहुत जबरदस्त। और सबसे बड़ी बात है कि इसके आसपास की ना वो प्यारी है, जगह प्यारी जगह ले, क्या बात है, जंगल में है, जंगल में मंगल। और हमारा यहाँ पे होगा हनीमून का आगाज, हनीमून का आगाज बुढ़े वेले, और कभी तो होना चाहिए ना अभी तो हम जवान हैं। अच्छा जी ये उनका कॉटेज है। हाँ अच्छा नियत सेट होनी चाहिए, तो इधर से दिखाएं जी इस साइड से आपके कॉटेज में क्या है भला, इस साइड पे ना। हाँ और ये इसके सेन के साथ ही बहुत बड़ा दरख्त भी है, इतने दरख्त है और इतनी प्यारी हवा है ना, हाँ हाँ यहाँ पे इसकी एक विंडो भी है, जाली लगी हुई है और इस जाली से बड़ी ठंडी हवा आती है। खोले लकड़ी का बना हुआ है, सारा लकड़ी का, क्योंकि यहाँ लकड़ी है इतनी बहुत हार्ड लकड़ी है, ये ऐसी लकड़ी हमारे यहाँ नहीं होती, नहीं बड़ी पक्की है, बड़ी पक्की है ऐसे ही। और ये ना वो बस कह रहे थे कि जगह होती है ऐसे ओपन, हाँ। तो डस्ट वगैरह इतनी नहीं है, डस्ट हमारे यहाँ तो ये फुल होता मट्टी से, तो ये बहुत प्यारा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ऐसे दूर से ट्री बहुत अच्छा है, क्या बात, वाह वाह जी वाह बेगम, तू तो आहिस्ता आहिस्ता शबनम बनती जानी है। आप वो बन लो नदीम, नदीम। अच्छा जी बहुत मजे का है, हाँ बहुत बहुत मजा आ रहा है, फुल मजा आ रहा है, बड़ी तेज है तो ये ना कपड़े वगैरह ऐसे उड़ जाते हैं सेट करने।
करने पड़ते हैं थोड़ी थोड़ी देर बाद। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि आपके कपड़े को चिपके हुए हो? हाँ, कपड़ों को चिपके हुए, ऐसे कभी इधर से सेट करो, कभी इधर से, कभी दुपट्टा सेट करो, तो अक्सर कहेंगे आप भी आपके घर में भी सेट करती है। हाँ, तो मुझे ना आदत है। यहाँ पे इन पत्थरों पे बैठ के हमारे आने वाले मेहमानों को हम दावत देंगे, हम चाय पिलाएंगे उनको, इसी पत्थर पे बैठ के ना चाय पिलाएंगे। वो ऐसे बैठेंगे ऐसे करके ऐसे, और कब जाएगा, कब जाएगा, ठीक है ना, अपनी आप भी बना लेना। हाँ, तो ये बेगम मुझे समझा रही है। और ये देखे इस साइड पे क्या है, फ्रंट और बैक बहुत ब्यूटीफुल 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 पत्थरों से भरी हुई है। ये देखेंगे रैपर वगैरह पड़े, लोग आते हैं ना स्टे करते हैं, और भी बहुत। हाँ, वैसे ये लोग यहाँ पे आते हैं ना तो गंद करते हैं, लेकिन एक चीज है, सफाई होनी चाहिए नारायण को। यहाँ पे ये देखो कैसी जगह है, क्या करें वो? नहीं नहीं, इसको और अच्छा करें। लेकिन दरिया देख लो कितना साफ है, कोई कागज पत्ता नजर आया उसमें? नहीं नहीं नहीं, ये दरिया हम रावला कोर्ट से शुरू है, उससे आगे से शुरू है, पीछू पीछू साढ़े ए नाल ना लिए। हाँ, ए नहीं किया। अच्छा जी, उधर और भी कॉटेज है, वो किसी और ने लिए हुए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वो ज्यादा बड़ा है। हाँ। और ये हमारा थोड़ा छोटे वाला, थोड़ा सा। हाँ जी बिल्कुल। तो जी बहुत मजे का एनवायरनमेंट है, वहाँ भी एक ट्री है बड़ा, वो लगता है वो खतरनाक हुसन है उसका, वो वाला, वो जिसकी जड़ें नजर आ रही हैं इधर से देखो। हाँ ऐसे ही है, है ना, खतरनाक हुसन है। माशाल्लाह माशाल्लाह, कभी हुसन खतरनाक देखे किसी तरह उस ट्री का? आज कभी आपने बेगम खतरनाक देखी है? तो ये देख ले। हाँ, आ जाए। बाकी यहाँ पे ना बंदा ना वो हो जाता है, मस्त हो जाता है, ठीक है ना, बिल्कुल मस्त हवा में मस्त फील कर। तो जी मुझे बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, आप लोगों ने भी जरूर इंजॉय करना है आगे, और मैं आपको फिर से कह रही हूँ बहुत कम पैसों में आप यहाँ के इंजॉय कर सकते हैं, बस ये है कि सफर मुश्किल है। तो नहीं, इतना सफर भी नहीं है, गाड़ी भी आराम से बंदा आ सकता है। अब आपको मैं इस कॉटेज की रियलिटी बता दूँ? हाँ बता दो, बता दो। मैं तो कर रही थी शो मार रही, मुझे ना कॉटेज का बड़ा शौक है। ये कॉटेज किसी इंतजामिया के यहाँ कोई है? वो शहरी इंजॉय फुल कर रहा है, और ये दरिया में ना इंजॉय करता घुस गए हैं। अच्छा जी, तो मैं वैसे मजाक कर रही थी, मुझे बहुत पसंद है, मैंने कहा आप लोगों को भी दिखाते हैं, ये एरिया दिखाते हैं, असल में मैंने एरिया दिखाना था तो जस्ट मजाक किया, लेकिन अगर मिल जाए तो हम जरूर यहाँ रिहाइश करेंगे। वाकई तो उम्मीद करती हूँ आज के व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, फुल इंजॉय करें इस जगह पे आके, खुश रहें, और यहाँ आके मैं कहती हूँ परेशान से परेशान बंदा खुश हो जाता है, और फैमिली को लेके आए, अकेले ना इंजॉय नहीं होगा, इंजॉय करें लाइफ को, खुद भी इंजॉय करें, अपनी फैमिली को भी करें। जो सड़े हुए लोग होते हैं ना वो लाजमी आए, ठंडे हो जाएंगे, उनका सड़ियलपन खत्म हो जाएगा। मुझे पता है अक्सर लोग सड़े हुए होते हैं, मेरा बंदा बड़ा सड़ा हुआ था, मैंने बड़ी मुश्किल से ठोक बजा के ठंडा किया है। बस आप ठोक बजा के या मैंने ठोक बजा के? मैं तो हंस मुक्ति, अभी भी लोग कहते हैं कि आप कैसी बातें करती है। अच्छा? तो जी मैंने इनको जी। हाँ जी, बड़ा सीधा किया, बड़ी मुश्किल से हंस से मजाक से बताया, लाइफ ऐसी होती है, नहीं तो इनको भाषण देने से फुर्सत नहीं मिलती थी। तो ये दरख्त देख रहे हैं बहुत जबरदस्त है, ये बहुत प्यारे है, हमारे एरिया में होते ही नहीं है ऐसे नहीं होते। अच्छा यहाँ पे आके ना हम एक एक पत्थर को देखते हैं, ऐसे ही ऐसा है, हर चीज में हुस्न नजर आता है। हाँ, हर चीज की। अब यहाँ आप कह रहे हैं पत्ते गिरे हुए हैं, सब कुछ है, लेकिन जो खूबसूरती है ना, जो एनवायरनमेंट है यहाँ का, माशाल्लाह सुभानअल्लाह, खुदा की कुदरत है। तो इजाजत दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिए, अपना ढेरों ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, thank you.
सलाम।